सारे देवता अमर हो जाते हैं। जोर से जयकारा लगाएंगे, पूरे विष्णु भगवान। अमृत पान किया देवताओं ने और भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत चले जाते हैं। सुदेव जी कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में शाम के समय कभी किवाड़ बंद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि शाम के समय भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो है भ्रमण करने के लिए आती है। कभी भगवान शंकर के पट बंद नहीं होते, कभी ताले में बंद नहीं होते भगवान शंकर, और न कभी सोते। अगर वो सो गए तो ये सारी पृथ्वी सो जाएगा। कभी भी भगवान शंकर के ताले में बंद नहीं होना चाहिए, और इतने बड़े से बड़े शंकर घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर। शाम के समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ भ्रमण करने के लिए आ गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंचे तो माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती चलो हम विचरण करने के लिए मृत्यु चलते। कि सुंदर शंकर जनता भवानी देख देख जनते के तो हम पार्वती संध्या काल के समय भ्रमण करने के लिए चले जाया। मृत्यु लोग पहुंचे और माता पार्वती ने मृत्यु लोग जाकर बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा आश्चर्य? कि महाराज आगे जब पड़े तो एक बीच खेत में एक पुतला दिखाई दिया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही, बोले नाथ आप ये तो बताइए, आज हम मृत्यु लोग भजन करने के लिए आए हैं, पर ये बीच खेत में ये क्या बना हुआ है? भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती तुमको क्या करना है, हम तो भ्रमण करने के लिए आए हैं, भ्रमण करके चले जाएंगे। कह नहीं, बोले नाथ आप बताइए। महाराज बाल हट सत्त हट क्रिया, माता पार्वती ने भी हट करने की बताइए। भगवान शंकर कहने के, पार्वती एक किसान ने ये पुतला तैयार किया कि जिससे पशु पक्षी खेत में न आए तो वो पुतला बनाकर बीच खेत में खड़ा कर देते। माता पार्वती कहने की, बोले नाथ बताइए आप, न इसके अंदर प्राण और काम देखिए इसका कितना बड़ा बड़ा, एक व्यक्ति का काम कर रहा है, न प्राण है न बोलता है न बताता है, पर इसका काम देखिए कितना बड़ा बड़ा। ये बोले नाथ इसको देखकर मुझे बड़ी दया आ गई, चलिए आप इसके पास चलिए। भगवान शंकर कह रहे, पार्वती क्या करना, कि नहीं आप चलिए। भगवान शंकर माता पार्वती मृत्यु लोक में उस पुतले के पास गई, खेत में बना हुआ पुतला। जैसे भवानी पार्वती गई चारों तरफ भी देखती थी कि बताओ ये पुतला कितना बड़ा, जो पशु पक्षियों को खेत में नहीं आने दे रहा है, कितना काम का है। महाराज माता पार्वती कह रही, बोले ना मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा मैंने आज तक। कहीं बोले ना पार्वती कह रही, बोले ना मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे, कुछ मांगना चाहती हूं। मांगो पार्वती क्या चाहिए? माता पार्वती कह रही, बोले ना हो ना हो आप इसको प्राण दे दीजिए, इसमें प्राण डाल दीजिए पुतले में। भगवान शंकर कह रही, पार्वती क्या करना, अपन तो विचरण करने के लिए आए घूमने के लिए। कह रही, बोले ना इसको देखकर मुझे दया आ गई है, आप इसमें प्राण डाल दीजिए बस, क्योंकि प्राण डाल सकते हैं भगवान शंकर। संहार भगवान शंकर करते हैं, प्राण को भी वही डाल जाते हैं, बाकी हर देवता की बस की बात नहीं है। माता पार्वती पुरानी बात बताने लगी, माताओं की आदत, अगर कोई काम सिद्ध कराना है तो वो बहुत पुरानी बात ही सामने लेके आता है।
कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था, मैंने आपके साथ ऐसा किया था। तो माता पार्वती कहने के बोले ना, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया कि तपे करे करे जब सयो कले करो तब पायू मैं पतंच मारी तपस्या की, तब आपको मैंने पाया। और इतना सा मैं आपको कह रहे हूं कि आप इसमें प्राण डाल दीजिए, आप इसमें प्राण मत डाल दीजिए। भगवान शंकर कह रहे हैं सुनो पार्वती, ठीक मैं डालता। भगवान शंकर ने उस पुतले में प्राण डाल दिया। जैसे ही प्राण डाले उस पुतले में, वो पुतला देख रहा है चारों ओर, महाराज ना पढ़ा लिखा ना कोई नाम। प्राण डालने के बाद भगवान शंकर कह रहे पार्वती अभी काम करो, प्राण डाल गया चलती। जैसे ही माता पार्वती आगे जाने लगी, उस पुतले ने हाथ पकड़ लिया और मां कहने लगा कि हे मां, मुझे बनाकर आप छोड़कर जा रहे हैं, कुपुत्र हो जाए तो कुछ भी कुमार का न भवती। महाराज पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं नहीं। जैसे ही पुत्र ने मां कहा, माता पार्वती कहने लगी बेटा दया आ जाती। माता पार्वती कहने लगी बोले नाथ, अब हमने इसको प्राण दिए हैं तो हम ही इसके माता पिता हैं। अब एक काम और करिए यार, इसको ऐसा वरदान दे दो कि जिससे ये कल खा लेगा अपना परिवार, कुछ भी अपने जीवन में कर लेगा, एक वरदान मत दे दीजिए। भगवान शंकर कहने के पार्वती तुम्हारे साथ भी आज विचरण करने के लिए आए, भ्रमण करने के लिए। अब तुमने प्राण डलवा दिए, उसके बाद कह रहे हो तुम्हें वरदान और दो। महाराज भगवान शंकर कह रहे मांगो क्या चाहिए, उस पुतले से कहते। अब पुतला पढ़ा लिखा तो है था नहीं, महाराज भगवान शंकर ने तुम्हें प्राण डाले तो पुतला बना हुआ था। भगवान शंकर कह रहे मांगो क्या चाहिए, पुतले को कुछ समझ में नहीं आ रही क्या मांगो। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। कि मांगो वरदान शंकर जब कीना, देख देख जग देख प्रभु हे बाबा, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो। भगवान शंकर ने कहा दिया, और देने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती चले जा रहे। अब पुतला चारों ओर देख रहा है, अपने सिर को चारों दिशाओं में देख रहा है। आकाश मार्ग से बाबा नारद ने जैसे देखा कि ताही समय नारद ऋषि आए। नारद बाबा ने आकाश मार्ग से देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्यु लोग आई है, न जाने क्या कर रहे हैं, देखो तो क्या हुआ। नारद बाबा ने जैसे देखा कि महाराज शंकर जी ने एक पुतले पर प्राण डाले, वरदान दिया। नारद जी ने भी बधाई पीड़ा उसी पुतले के पास चले आ रहे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद हरि ने जैसे ही देखा कि ये बाबा आया है,
और मुझे वरदान उस बाबा ने दिया है, हो ना हो इसी बाबा के ऊपर हाथ रख के देखता हूं। वरदान सही है कि जैसे ही नारद जी पास में आए कि बाबा आओ, नारद जी पहुंच गए, भोले वाले नारद उनको कोई पता ही नहीं। जैसे ही पास में गए पुतला कहने लगे एक काम करो तुम्हारा सिर बताओ। नारद जी कहने लगे सिर किस लिए? कहीं मैं देखना चाहता हूँ, एक बाबा मुझे वरदान देकर गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो वरदान सही है कि नहीं, तुम्हारा सिर बताओ। नारद जी ने जैसे ही ध्यान किया कि संकट जी ने वरदान दिया, वरदान तो सत्य है। नारद ने अपने महाराज नारदा की नारदा, जहां झगड़ा ना होता हुआ झगड़ा करा दे वही तो नारद। नारदगिरी बहुत खराब होती, यहाँ की बात वहां करना और वहां की बात यहाँ करना, कुछ लोगों का यही काम व्यर्थ समय व्यतीत करना। अब नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद ने विद्या लगाई, नारद जी कह लगे भैया आपको पता नहीं किसने ये वरदान दिया है ना, अगर आप उसके सिर पर रखोगे तो जल्दी सत्य हो जाएगा। ये वरदान जिसके जिसने दिया है उसी के सिर पर रखिए आप, तो ये वरदान जो है सही हो जाएगा। नारद जी ने बजाई बीड़ा और नारद जी चले जाए। अब वो पुतला देख रहा है कि वो बाबा यहीं पर गया है, महाराज वो पुतला पीछे पीछे चला जा रहा कि नाम देती देख दूंगा सब महाराज। सारे देवता देख रहे हैं आकाश मार्ग से,